और तमाम पाकिस्तानियों को जो दुनिया में फैले हुए हैं सबको जश्न आजादी मुबारक। ये आजादी का दिन तो हम हर साल मनाते हैं और जज्बे से मनाते हैं, लेकिन ये 14 अगस्त एक खास 14 अगस्त का ही है। आज से चंद दिन पहले भारत में मोदी सरकार ने अपनी सियासी और कौमी जिंदगी का सबसे बड़ी हल्की की, उनको अपने पैसे और ताकत की घमंड में यह ख्याल गुजरा कि 70 साल से ज्यादा हो गए हम कश्मीरियों के आजादी के जज्बे को दबा नहीं सके, क्योंकि वो समझते हैं कि आज वो एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। तो वो समझते हैं कि दोष और जबर से आज वो एक कश्मीर की आजादी की जद्दोजहद को दबा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और भारत की कौमी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, ये अगस्त का महीना, ये 14 अगस्त जो पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के नाम पे किए, हमने उनके नाम पे रखा है दिन को, ये इंशाअल्लाह ताला तारीख देखेगी। आप याद करेंगे कि हम भी चौक पर खड़े थे, कश्मीरियों की आजादी की आवाज के साथ आवाज बनाने गए थे और वो तारीखी दिन साबित हुआ और कश्मीरियों की जद्दोजहद जो 70 साल से जारी थी वो कामयाबी तक पहुंची, वो आजाद हुए और इंशाअल्लाह ताला यही मोदी निगाने अमृत बनेगा। मैं यहां पर पाकिस्तान के वजीर खारजा तहरीक इंसाफ के लीडर 16 मियां मुकर्रर मौजूद हैं, आप ऐसे पता नहीं कितनों ने उनका साथ देखा, जो कौमी असेंबली की सलामी कमेटी को उन्होंने भिजवाया है, उससे बेहतर मुकदमा पाकिस्तान का और उससे ज्यादा कश्मीर का मुकदमा आपको मिल नहीं सकता। दुनिया में वो लोग जो देखना चाहते हैं पूरा दुनिया, दुनिया में वो लोग जो इंसानी हकूक पर यकीन रखते हैं, जो इंसानियत पर यकीन रखते हैं और खास तौर पे वो तमाम लोग जो कलमा तौहीद पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं, वो कश्मीरियों के खिलाफ जो मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। ये कौन सी सरकार है, ये मोदी चीज क्या है? हजारों मुसलमानों का कत्ल गुजरात में इसने करवाया जब ये चीफ मिनिस्टर था। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तानी नहीं कहते, ये मुसलमान नहीं कहते, जो हिंदू इंसानियत पे यकीन रखते हैं, जो उनके बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने किताबें लिखी इसके खिलाफ आवाज बुलंद की और इतने घिनौने जुर्म थे इस आदमी के, ये पाकिस्तान में इसका दाखला नहीं हुआ, इसका दाखला जो है वो अमरीका और बर्तानिया में भी बंद कर दिया गया जब तक ये वजीर आजम नहीं बना। अब वो समझता है कि वो एक बहुत बड़ी ताकत का वजीर आजम बन गया है, क्या बोलते वो के प्रधानमंत्री शायद किसी आदाशी का दौर है। मेरे ख्याल में ये भूल गया है कि इसी घमंड के ऊपर आज से चंद महीने पहले इसने बालाकोट पर हमला भी किया। नेते मुसलमानों, नेते ईसाइयों, नेते दलित को तो मारता ही रहा था, इसने कहा कि दुनिया को दिखाऊं मैं कितना दलेर लीडर हूं। उसने रात की तारीखी में घुस के कुछ छोटी वारदात नहीं की, एक कबा मारा और 12 दरख्त शहीद कर दिए। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को जला दिया। वो मिसरा मुझे याद आ रहा है, पहला वार तुम्हारा है दूसरा हमारा है। उसके बाद जिस वक्त भारत के तैयार
पाकिस्तान में कौन आया? मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को उसका नाम याद हो गया। कौन आया? आमिर। वो आज आज मजाक है वोट का, आज इन्होंने उसको बहुत बड़ा भागी का वोट दिया है। शायद शायद इस बार भी भागी का वोट दिया है। कश्मीर क्यों मांगे? माने क्या?